जयपुर हाउस स्थित महाजन भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेताओं ने योगी सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही पीएम मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जयपुर हाउस स्थित महाजन भवन में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और दानिश आजाद अंसारी राज्य मंत्री अल्पसंख्यक विभाग उत्तर प्रदेश पहुंचे। दोनों ही मंत्रियों ने योगी सरकार की 6 महीने की उपलब्धियां गिनाई। दानिश आजाद अंसारी राज्य मंत्री अल्पसंख्यक विभाग उत्तर प्रदेश का कहना था कि योगी सरकार ने 6 महीने में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी योगी सरकार के 6 महीने पूरे होने पर जन कल्याणकारी योजनाओं का गुणगान किया और शिक्षा को बेहतरीन करने की बात भी कही। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। योगी सरकार के 6 महीने के कार्यकाल को पिछले 5 साल के भी कार्यकाल और इस बार इस योगी 2 के 6 महीने थे, ये बेमिसाल है और इसने सिद्ध कर दिया है कि काम करने वाली सरकार बरसों बाद उत्तर प्रदेश की जनता को मिली है, जो जनता के लिए काम कर रही है, जो कि फॉर द पीपल टू द पीपल बाय द पीपल। जिस तरह से सर्वे हो रहा है विपक्ष का, तो हर काम में सवाल खड़ा करना एक फैशन बन गया है और उनको उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दाविहीन लोग तो हर बात का विरोध करेंगे। योगी सरकार के कार्यकाल को 6 महीने पूरे हुए हैं और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि विगत 6 महीनों में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के तरक्की के लिए, उत्तर प्रदेश के बेहतरी के लिए और उत्तर प्रदेश के एक एक जन के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, तमाम मुद्दों पर योगी सरकार ने पूरी गंभीरता से कार्य करते हुए आज यहाँ के नौजवानों को अच्छे रोजगार से जोड़ने का काम किया, यहाँ के महिलाओं को सशक्त करने का काम किया और प्रदेश में तमाम जगहों पे कानून व्यवस्था को कायम करने का काम किया। और बीते 6 महीने में हमने जो काम कहे थे उन कामों पे हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बीजी महाजन न्यूज़ के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।